नई व्यवस्था के अंतर्गत अब सीमित शुल्क देने के साथ लोग जरूरी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पटवारी से लेकर तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। 14545 पर कॉल करने के बाद आगे का काम आसान तरीके से हो रहा है। एक वर्ष के बच्चे मिलांश को काफी कम समय में जाति और जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है। हाल ही में ही प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है और इसके अंतर्गत कई प्रकार के प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। खास बात यह है कि आवेदक को सामान्य शुल्क देना पड़ रहा है, जबकि बाकी प्रक्रियाएं मितान के स्तर पर हो रही है। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र से किए गए आवेदन पर जल्द कार्रवाई हुई। कलेक्टर रानू साहू और निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे इस परिवार के पास पहुंचे और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया। हितग्राही ने इस बात पर खुशी जताई और कहा कि यह बेहद अच्छा अनुभव रहा। बहुत खुशी हो रही है इस बात में। हमारे घर लेके आई जाति प्रमाण पत्र, मास प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ। ऐसे हम लोगों को 2-3 महीने लग जाते थे, घूमना पड़ता था, और वो हमें 2 दिन में मिल गया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी मैम को कि इस योजना के तहत हमको 2 दिन में प्रमाण पत्र मिल गया। कलेक्टर ने बताया कि सरकारी योजना लोगों की सुविधा के लिए शुरू की गई है, लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है और इस मितान योजना के तहत आज मैं श्रीवास परिवार में हूँ और ये 1 साल की बच्ची मूलांश का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लेने को मितान मंत्री को किया है। घर वाले काफ़ी खुश हैं और योजना के लिए। पहले जो कार्यालयों में महीनों चक्कर लगाना पड़ता था, फॉलो अप करना पड़ता था, मितान के होने से जो है वो फॉलो अप की समस्या नहीं है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वह विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए परेशान होने की बजाय मुख्यमंत्री मितान योजना में कॉल करें और अपना पंजीकरण कराएं। सुविधा प्राप्त करने के लिए यह काफी अच्छा विकल्प है। ऐसा करने से आपका समय बचेगा और परेशानी भी दूर होगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।